नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ डाइटिशियन शिल्पा। आज मैं आपको बताऊंगी कि किडनी के पेशेंट का दिन भर का खाना कैसा होना चाहिए। किडनी डिजीज एक सीवियर प्रॉब्लम है और गलत डाइट की वजह से किसी भी पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। इस वजह से एक पेशेंट को अच्छी डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल की एडवाइस देते हैं। किडनी प्रॉब्लम हर इंसान को अलग अलग वजह से होती है और उनकी कंडीशन भी अलग अलग रहती है, इसलिए किडनी पेशेंट की डाइट भी अलग अलग होती है। वैसे एक किडनी पेशेंट को अपनी डाइट में लाइट फूड खाना चाहिए और हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। हर 2 घंटे में कुछ हेल्दी खाने के लिए किडनी पेशेंट अपनी डाइट में फाइबर वाले फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किडनी पेशेंट अपनी डाइट को लाइट और हेल्दी रखने के लिए क्या क्या खा सकते हैं। फर्स्ट, कैबेज यानी पत्ता गोभी। किडनी पेशेंट के लिए पत्ता गोभी एक न्यूट्रिशन रिच सब्जी है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी अच्छे अमाउंट में मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें प्रेजेंट इनसॉल्युबल फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसका सेवन करना किडनी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंड, किडनी डिजीज में ऑयलिव ऑयल का सेवन करने से आपकी हेल्थ और किडनी प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट आता है। ऑयलिव ऑयल फैट फ्री और फॉस्फोरस फ्री होने के साथ साथ इनमें प्रेजेंट मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसे ओलिक एसिड कहा जाता है, ये किडनी प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। ऑलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो किडनी प्रॉब्लम होने की वजह से बॉडी में आई हुई स्वेलिंग को कम करने में भी हेल्प करते हैं। थर्ड, मूली का सेवन भी किडनी की समस्या को कम करने में बेनिफिशियल है। मूली में पोटेशियम और फॉस्फोरस कम अमाउंट में होता है और विटामिन सी का ये एक अच्छा ऑप्शन भी माना जाता है। मूली के सेवन करने से आप हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ किडनी प्रॉब्लम का खतरा भी कम कर सकते हैं। फोर्थ, तुरई। तुरई में विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फोलेट, फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें प्रेजेंट ये न्यूट्रिएंट्स किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और कई तरह से किडनी को हेल्दी रखने में ये मदद करते हैं। फिफ्थ, टिंडा। टिंडा किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी मानी जाती है। साथ ही टिंडा लो कैलोरी वाला वेजिटेबल है। इसे अपनी डाइट में ऐड करके किडनी प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं। सिक्स, घिया। घिया को लौकी के नाम से भी जाना जाता है। अगर किडनी पेशेंट घिया का सेवन करते हैं तो उनका वेट कंट्रोल में रहता है, जो किडनी प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। यह पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हुए डायबिटीज़ के होने के खतरे को भी कम करता है। लौकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है, जिससे किडनी प्रॉब्लम बढ़ने और इसमें मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सेवन्थ, हरा कद्दू। किडनी पेशेंट के लिए हरा कद्दू का सेवन करना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आपको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसे सीवियर डिजीज़ को होने से बचाता है, और अगर आप इन बीमारियों से सफ़र हो रहे हैं तो इनको कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है। हरा कद्दू के सेवन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करता है, जिससे आपको पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और साथ ही आपके वेट को कम करने में भी हेल्पफुल है, जिससे किडनी के काम पर प्रेशर कम पड़ता है। हरा कद्दू आपको किडनी प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ गठिया और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे से भी बचाता है। अब हम आपको बताते हैं कि किडनी की बीमारी में आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, जिनको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे कि फर्स्ट, क्रैनबेरीज। क्रैनबेरीज यूरिनरी ट्रैक और किडनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स जैसे ए टाइप प्रो एंथोसाइरिनेंस कहते हैं, जो बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक और ब्लैडर में आने से रोकते हैं, जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। साथ ही क्रैनबेरीज किडनी को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। सेकेंड, आप सभी जानते होंगे कि पपीते का सेवन करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इसके सेवन से पेट से जुड़ी हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पपीते के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, जिससे किडनी फेलियर का खतरा भी कम हो जाता है। इसमें विटामिंस के साथ अमीनो एसिड अच्छे अमाउंट में होते हैं, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। थर्ड, पाइनएप्पल। 1 कप पाइनएप्पल यानी 160 ग्राम में सोडियम 2 mg, पोटेशियम 180 mg, फॉस्फोरस 30 mg प्रेजेंट होते हैं। पाइनएप्पल लो पोटेशियम वाला फ्रूट है, जो किडनी को क्लीन करने के लिए भी अच्छा होता है। इसमें फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीज और ब्रोमेलाइन प्रेजेंट होते हैं। ब्रोमेलाइन एक तरीके का एंजाइम होता है, जिससे स्वेलिंग कम करने में हेल्प मिलती है। फोर्थ, एप्पल। किडनी के लिए सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो किडनी को क्लीन करने में हेल्प करते हुए किडनी की प्रॉब्लम को बॉडी से दूर रखते हैं। 100 ग्राम एप्पल में 1 mg सोडियम, 107 mg पोटेशियम, 10 mg फॉस्फोरस मौजूद होते हैं। अगर आप एप्पल का सेवन रोज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, साथ ही आपके किडनी की प्रॉब्लम में रिलीफ मिलती है। सेब आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। लास्ट, लाल अंगूर यानी रेड ग्रेप्स। एक आधा कप लाल अंगूर, जो लगभग 75 ग्राम्स के आसपास होंगे, उसमें सोडियम 1.5 mg, पोटेशियम 144 mg, फॉस्फोरस 15 mg प्रेजेंट होते हैं।
रेड ग्रेप्स में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिन्हें फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, जो आपकी बॉडी में होने वाली स्वेलिंग की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करते हैं। इनमें प्रेजेंट रिसर्वेट्रॉल, जो एक तरीके का फ्लेवोनॉइड्स होता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में हेल्प मिलती है। तो आज मैंने आपको बताया कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप किस तरीके का डाइट ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।